हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं रवि वर्मा और आज की इस वीडियो में आपको प्रतिशत के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताने वाले हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन हैं जो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में किए जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन मिल सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, एक क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड आपको बता रहे हैं, जिससे करना है कीजिए। एक आपके पास ये ट्रिक है, ये ट्रिक ये है, ये ट्रिक में आप फार्मूला ये याद करेंगे, m बटा 100 प्लस माइनस m गुणे 100%। अगर प्रश्न की शुरुआत में अधिक है तो यहाँ प्लस लगाएंगे और प्रश्न की शुरुआत में अगर कम है तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे m के जगह पर क्या दिख रहा है, 20, 100 चूँकि अधिक बोला है इसलिए प्लस 20 इंटू 100, तो आपका हो गया 20 बटा 120 गुणे 100। ये देखिए आपका आ गया 16.3%, यानी कि बी की आय ए से 16.3% कम है। अगर इसी क्वेश्चन को यहाँ कंसेप्ट देखा जाए तो कंसेप्ट ऐसे करेंगे, ए और बी दो लोग हैं इसमें, जिसमें ए डिपेंड कर रहा है बी पर। सपोज दैट बी की इनकम 100 रुपया है तो ए की आय बी से 20% अधिक है यानी कि 120। जब दोनों की वेतन हमें दिख रहा है तो पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। तो आपको पिछले वीडियो में परसेंटेज के सारे रूल बताए गए थे, जो लोग नहीं देख पाए होंगे आप जो है पिछले वीडियो को एनडीआर चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें जो है हम देख रहे हैं कि बी ए से कम है तो कमी प्रतिशत का फार्मूला हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, कमी बटा मूलधन गुणे 100। तो 100 120 से कितना कम है, 20। कमी परसेंट में बड़ी संख्या मूलधन का काम करती है तो 120 गुणे 100, ये 6 बार में कट गया, 3, 50, 16.3%। इस तरह से आपका इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अब अगर आपको मिलता है तो इससे कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें कुछ इस प्रकार रहेगा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपको मिल जाएगा कि यदि किसी आयत की लंबाई में m के जगह पर यहाँ कोई भी अंक दे सकता है 20% तथा चौड़ाई में 40% की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है कि यदि किसी आयत की, जैसे कोई आयत है रेक्टेंगल, इसकी लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को 40% बढ़ा दिया गया तो कह रहा है इसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा, यानी इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कितने प्रतिशत की कमी होगी या अपरिवर्तित रहेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है।
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, आंसर इसका देने के लिए एक ट्रिक आपके पास है, एम प्लस एन प्लस एम एन बटा 100। अगर इसकी पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम बोलेंगे कि वृद्धि हो गया, अगर निगेटिव आ रही है तो बोलेंगे कि कमी हो गया, ठीक है। लेकिन इस फार्मूले का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वृद्धि को प्लस के साथ इस्तेमाल करेंगे और कमी को माइनस के साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम यहाँ इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ, लंबाई में 20% तथा चौड़ाई में 40% की कमी। तो देखिए यहाँ पर लंबाई में 20% तथा चौड़ाई में 40% की वृद्धि या कमी बोला गया है, तो मैं यहाँ पर वृद्धि ले रहा हूँ इस बार या कमी ले रहा हूँ, वृद्धि को कैंसिल कर रहा हूँ। सपोज दैट दोनों ही कमी है, तो मैं ऐसे इस्तेमाल करूँगा, -20 प्लस -40 प्लस -20 -40 अपान 100, तो ये हो जाएगा आपका -60। और ये देखिए माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 00 से 00 जो है कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर अपोजिट चिन्ह है तो घट जाएगा ये 52, लेकिन माइनस साइन रहेगा, इसलिए हमें ये पता चल रहा है कि 52% की कमी हो चुका है, कमी यानी कि एरिया में 52% की कमी होने वाली है, ठीक है। तो इस तरह के अगर कहीं भी क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को विदाउट ट्रिक करूं, कंसेप्ट करूं, तो ऐसे कीजिए। आयत की लेंथ होती है और ब्रेथ और हाइट एरिया, तीन चीज़ होती है, लंबाई चौड़ाई और एरिया। सपोज दैट आयत की लंबाई 100 है, चौड़ाई भी 100 है, एरिया आपका हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। आपको मालूम होगा कि आयत का क्षेत्रफल हो का फार्मूला है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 100 × 100 10,000 वर्ग इकाई। अब लंबाई को हम 20% घटा रहा हूँ तो 80 हो जाएगा, चौड़ाई को 40% घटा रहा हूँ 60 हो जाएगा, अब एरिया हो जाएगा 6×8 = 48, 4×48 = 100। अब आप खुद देख सकते हैं कि एरिया जो है कम हो गया, कम हो गया तो कितना परसेंट कम हो गया, तो हम कमी परसेंट का फार्मूला याद किए हुए हैं, कमी बटा मूलधन और गुणे 100। तो ये कितना कमी दिख रहा है, 5200। देखिए ये 10,048 से कितना कम है, 5200। हम मूलधन का काम इसमें बड़ी वाली संख्या करती है, इसलिए 10,000 और गुणे 100, 00 से 00 00 से 00। आप देख सकते हैं आंसर आ रहा है आपका कि 52% जो है इसका एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है तो आप इस ट्रिक पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड टाइप के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, जो परसेंटेज में अक्सर पूछा जाता है, और ये 5 फिगर में आपको काम करेगा। मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन है जो 5 चित्रों में काम करता है, क्योंकि 5ों में जो है एरिया का फार्मूला स्क्वायर पर डिपेंड करता है और उसके साइड जो है इक्वल होते हैं या रेडियस इक्वल होता है, इसलिए 5 फिगर में ट्रिक काम कर जाता है। जैसे यदि किसी वर्ग घन समबाहु त्रिभुज वृत्त या गोला की भुजा या त्रिज्या में, भुजा या त्रिज्या में m प्रतिशत की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत बराबर। ये फार्मूला इस तरह से इसमें बनेगा, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे वर्ग देख लीजिए, इस स्ट्रक्चर को हम वर्ग कहेंगे, ये जो है आपका घन हो गया, ठीक है, ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये आपका सर्किल हो गया और ये आपका स्फेयर हो गया, गोला।
तो ये पांच फिगर में देखिए इसकी साइड बराबर होती है, इसकी रेडियस बराबर होती है सब, ठीक है ना। इसलिए इस पांचों फिगर में एक काम कर रहा है फार्मूला कि इसके किसी भी आकृति के अगर एक भुजा में या त्रिज्या में हम m परसेंट की वृद्धि या कमी करते हैं तो जरूर इसके क्षेत्रफल पर असर पड़ेगा। जैसे इसकी भुजा बढ़ा दे तो एरिया बढ़ जाएगा, घटा दे तो कम हो जाएगा। तो कितना परसेंट एरिया बढ़ेगा घटेगा ये बताने के लिए ये ट्रिक है 2m प्लस माइनस m स्क्वायर बटा 100%। इस फार्मूले से इस तरह के क्वेश्चन सेकेंडों में किए जा सकते हैं। जबकि अगर कंसेप्ट करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको वर्ग का फार्मूला याद करना होगा, घन का, वर्ग का, क्षेत्रफल का फार्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, वृत्त, स्क्वायर, स्फीयर, सबका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, घन का क्षेत्रफल का फार्मूला 6a स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3 अपान 4 भुजा स्क्वायर, अंडर 3 बटा 4 भुजा स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। आपको तमाम चीज़ें ये याद करना पड़ेगा। अगर इस ट्रिक पकड़ते हैं तो आप जबानी बताएंगे आंसर। देखिए जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आपका आया कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की कमी कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप यहाँ सीधे 2 × 10, चूँकि कमी किया जा रहा है तो माइनस 10 का स्क्वायर बटा 100, ये हो गया 20, 100 बटा 100 मतलब कि 1, आपका आ गया 19%। सेकेंडों में आप आंसर दे दिए कि वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो मैं आशा है कि इस तरह के क्वेश्चन अब आएगा तो आप इस पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे मिल जाएगा। जैसे इसमें अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह में रहेगा, जैसे किसी व्यक्ति की सैलरी से संबंधित जो है सवाल इसमें पूछे जाते हैं। वेतन, जैसे कोई व्यक्ति है अपनी वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, 20% वस्त्र पर खर्च करता है, 30% यातायात पर खर्च करता है, और फिर भी अगर 2000 रुपये बचा के रखा है तो उसका वेतन क्या है, ये क्वेश्चन करता है। जबकि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के बोल देता है कि एक व्यक्ति अपनी वेतन का 10% भोजन पर, शेष का 20% भोजन पर, शेष का 30% वस्त्र पर खर्च करने के बाद 4000 रुपये बचाता है, उसकी वेतन क्या है। तो एक में शेष का खर्च कर रहा है और एक में संपूर्ण का खर्च कर रहा है, दोनों में ये डिफरेंस है। तो दोनों टाइप के एक एक क्वेश्चन मैं करके आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यदि एक व्यक्ति अपनी वेतन का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और 10% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद भी 8000 रुपया बचाता है तो उसका वेतन क्या है। आपसे सवाल पूछ दिया कि उसका वेतन क्या है। देख रहे हैं यदि एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% भोजन पर खर्च कर देता है, 30% वस्त्र पर और 10% मनोरंजन पर, फिर भी 8000 रुपये बचाता है, उसका वेतन क्या है। तो इसको अगर ट्रिक पकड़ेंगे तो इसके लिए ट्रिक इस तरह से बनाया गया है कि वेतन बराबर 100 × बचत अपान 100 माइनस एम प्लस एन प्लस पी। इस ट्रिक को अगर याद कर लेते हैं तो इस पर आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे 100 × बचत, बचत कितना किया है आदमी, 8000 बटा में 100 माइनस एम एन पी का मतलब है कि जितने परसेंट वो खर्च कर रहा है जितने भी वर्क कार्य पे, वो सबको जोड़ कर लिखना है। तो 20 30 10
यानी कि 20 प्लस 30 प्लस 10। आप देख सकते हैं ऊपर 100 इंटू 8000 है और नीचे 20 30 50 10 60 घटा देंगे तो 40 हो जाएगा। 40 से कट जाएगा 200 बार में, 200 पर 00 यानी उसकी सैलरी है 20,000 रुपया। ठीक है, तो कोई भी इस तरह के सवाल आता है तो अगर इसको आप याद कर सकते हैं तो कीजिए। 100 इंटू बचत, 100 माइनस एम धन पी, और नहीं तो शॉर्ट मेथड से आप इस सवाल को ऐसे सोच के कर लीजिए। आपको पता है कि किसी की भी सैलरी 100% होती है, चाहे वो 2 रुपया हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 2,000 हो। तो 100% में से देखिए कि वो कितना कितना खर्च कर रहा है, 20, 30, 10, यानी कि 60% वो आदमी खर्च कर चुका है। तो 100 में से 60 गया, 40% अभी बचा के रखा होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उसके पास 8,000 रुपया बचा हुआ है। तो हम कंपेयर करेंगे कि 40% का मतलब 8,000 रुपया, तो 1% का मतलब 40 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 200 रुपया हो जाएगा। तो 100% का मान अगर हम निकालते हैं तो उसकी सैलरी ज्ञात हो जाएगी, यानी कि 20,000 रुपया। तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, इसके बाद से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि शेष का वो खर्च करने लगता है। तो शेष का क्वेश्चन कैसे करेंगे, आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार रहेगा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी वेतन का इस तरह से क्वेश्चन इसमें आएगा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी वेतन का 20% वस्त्र पर, शेष का, देखिए यहाँ पर काम बढ़ा दिया, ये चीज कह रहा है कि शेष का 30% भोजन पर पुनः शेष का 20% यातायात पर खर्च करने के बाद 2400 रुपये बचाता है तो उसका वेतन क्या है, ऐसे पूछ ले। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में सेम पिछले क्वेश्चन की तरह सब कुछ है, बस इसमें शेष शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी वेतन का 20% वस्त्र पर, शेष का 30% भोजन पर, पुनः शेष का 20% यातायात पर खर्च करने के बाद 2400 रुपये बचाता है तो उसका वेतन क्या है। तो जब शेष का इस्तेमाल करेगा तो इसके लिए आपके पास ट्रिक ये है कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ऐसे कीजिए, 100/100 माइनस पहला खर्च है 20% इंटू 100/100 माइनस दूसरा खर्च है आपका 30% इंटू 100/100 माइनस तीसरा खर्च 100 माइनस 20 अगुणे बचत। अगर इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे तो कितना बार ही खर्च क्यों ना करें, आप इससे बहुत जल्दी से कैलकुलेशन करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा 100/80, ये हो जाएगा 100/70, ये हो जाएगा 100/80 और इंटू बचत है आपका 2400। इसको कैश कैलकुलेट करके आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं 20 5 100 20 4 80 कट जाएगा और यहाँ से आप 8 से देख रहे हैं अतिरिक्त 24 300 बार में कट जाएगा, ये 4 से 25 बार में कट जाएगा। तो 25 5 125 × 300/7 ये आपका सॉल्व करने के बाद आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसी सेटिंग रहता है जिससे ये पूरा पूरी कट जाएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐसे ही अपने मर्जी से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे शॉर्ट में कर लीजिए। माना उसका वेतन X है, उसने पहले 20% खर्च कर दिया तो सोचिए बचाया कितना,
80% बचाया होगा। ठीक, अब इस पैसे का वो 30% फिर खर्च किया है तो यही मेरे लिए 100% अब हो चुका है। खर्च करने के बाद जो पैसा बच जाता है वो अब से 100% हो जाता है। तो इस 100 में से फिर 30% खर्च कर दिया तो 70 पैसा बचाया होगा, 70%। फिर इस पैसे, इस धन का फिर 20% वो खर्च कर रहा है तो फिर 80% बचाया होगा। इस तरह से उसके पास यही पैसा बच गया है। हम देख रहे हैं उसके पास 2400 बचा हुआ है, तो 2400 की इक्वल करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये भी आंसर आसानी से आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 मिल सकता है सैलरी से संबंधित। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आसानी से इस ट्रिक से कर सकते हैं। अब इसमें एक नया क्वेश्चन आपको और बताने जा रहा हूं जो किसी भी एग्जाम में देने का अधिकतर चांस रहता है कि वो दे दे क्वेश्चन, और आप उसको जरूर कीजिएगा। जैसे इस तरह से क्वेश्चन है कि यदि चावल के मूल्य में, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई व्यक्ति 350 रुपये में पाँच केजी, या यहाँ पर 450 करते हैं, 450 रुपये में 5 केजी चावल अधिक खरीद पाता है तो चावल का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या है। अगर इस तरह के सवाल आपको मिल रहा है, देखिए फिक्स अमाउंट खर्च किया जा रहा है इसमें, और चावल का मूल्य 10% कम हो गया है जिससे वो 5 केजी अधिक खरीद पाया है। अगर चावल का रेट यही बढ़ जाता तो 2-4 केजी क्या करता, कम खरीद कर लाता। तो इस सवाल की यही पहचान है कि जरूर बोलेगा कि इतना चीज़ अधिक खरीद के लाया, इतना चीज़ कम खरीद के लाया उसी पैसे में। तो इसमें 2 रेट आपका हो जाएगा, चावल का एक पहले वाला रेट होगा और एक नया बदला हुआ रेट होगा। तो जब नया रेट पूछेगा, नया रेट, तो इसके लिए ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा, m/100 × x/y। जब पुराना रेट पूछेगा, पुराना रेट उसका क्या था, तो m/100 + -m × x/y इस्तेमाल करना है। अब कौन क्या है इसमें, आइए देखते हैं। m का मतलब परसेंटेज कितना है, 10, 100 तो 100 है। x का मतलब है रुपया, इसमें रुपया कितना इस्तेमाल हो रहा है, 450। और y का मतलब है मात्रा, कितनी मात्रा कम बेसी मिली है, 5 केजी। इस पर केवल रखते ही आपके क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे 00 से 00 कट गया, 5 × 9 = 45, 9 रुपये प्रति केजी चावल हो चुका है। और यही पूछ दे कि पुराना रेट उसका क्या था, तो इसमें रख देंगे, m का मतलब 10, नीचे कमी हुआ था इसलिए 90, 100 में से 10 घट गया 90, 450/100। 00 से आपका ये 5 है यहाँ पे, सॉरी, तो 9×5 = 45 कट गया, 5×5 कट गया, 10 रुपये प्रति केजी। यानी पहले से जो है वो चावल का रेट 10 रुपया चल रहा था और बाद में कम होने के कारण 9 रुपया किलो हो गया होगा। ठीक है, तो हमें आशा है क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आपको और मिल जाएगा परीक्षा से संबंधित सवाल, कि किसी परीक्षा में जैसे कोई छात्र जो है नंबर पाता है और उसके बाद भी फेल हो जाता है, कोई छात्र जो है
पासिंग नंबर से भी अधिक नंबर ले आता है। तो उसमें पूछता है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था, कितने नंबर का वो एग्ज़ाम हुआ था, या पासिंग परसेंटेज क्या था, या कितना नंबर पर पास होना था, उत्तीर्ण अंक क्या था, ये क्वेश्चन पूछेगा। जैसे देखिए, यदि किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है और 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है जबकि दूसरा छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप इसको कम समय में कैसे करेंगे। कोई लड़का है जो 28% अंक पाया है फिर भी 14 अंक से फेल हो गया है, कोई लड़का है जो 32% अंक पाया है और पासिंग नंबर से 18 अंक अधिक प्राप्त कर लिया है। तो इसी स्टाइल में आपको बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपका रूल तो एक ही रहेगा। इसमें आपका एक ट्रिक है कि अगर पूछा जाए कि इसकी पूर्णांक बताओ, कितने नंबर का पेपर हुआ था ये, तो इसका ट्रिक है x + y / m - n × 100। बहुत आसान ट्रिक है। x जो है जितने नंबर से वो छात्र फेल हुआ है वो नंबर है, y उत्तीर्णांक से जितना अधिक प्राप्त किया है आपका y है, और m का मतलब है कि कितना परसेंट वो छात्र जो है पाया है, और n है कि दूसरा छात्र कितना परसेंट पाया है। जैसे x क्या है इसमें ढूंढा जाए, 14 नंबर से फेल हो चुका है छात्र, y 18 अंक अधिक पा चुका है पासिंग नंबर से, m 28 - 32 × 100। देखिए डिफरेंस का सिंबल यहाँ लगाया गया है कि जो अधिक हो उसमें से कम को सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस मत लिखिए। तो ये ऊपर 32, नीचे 4 × 100, अब 4 से कट गया, यानी कि वो पेपर 800 नंबर का हुआ था ये पता चल गया। तो मैंने तो यहाँ तक ट्रिक सिखा दिए, ट्रिक पर कर लेंगे आप लोग, लेकिन इसमें सवाल में बाद में और भी बदल सकता है कि पासिंग नंबर क्या था, तो क्या करेंगे आप। अगर इसी में पासिंग नंबर पूछ ले तो 800 का एक लड़का कितना पाया था, 28% निकालेंगे तो ये 18 × 64 × 16 = 22। 224 नंबर वो लड़का पाया था और 14 नंबर से फेल हो गया था, आपको पता है। तो इसमें 14 अगर और मिक्स कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो ये आपका 238 क्या हो जाएगा, पासिंग नंबर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी सवाल और बढ़ा दे कि पासिंग परसेंट क्या था, तो पासिंग परसेंट का फार्मूला लगा देंगे, पासिंग नंबर बटा टोटल नंबर गुणे 100। क्योंकि आपको पिछले वीडियो में मैं किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना सिखाया था कि जिसका परसेंटेज पूछे ऊपर टोटल नीचे अगुणे 100 कर दिया जाता है। तो ये देखिए 100 कट गया, ये 8 से भाग देंगे, 8 × 16 7 बचेगा, 8 × 9 = 72, फिर जो है आपका 6 बचेगा, तो 8 × 7 = 56। नियर अबाउट 29.7% पासिंग नंबर था, ये लड़का 28% लाया था इसलिए फेल हो गया था। समझ में आया। अगर इसी को कंसेप्ट करना चाहते हैं तो इस तरह करेंगे, सपोज दैट ए और बी दो स्टूडेंट है और टोटल एक्स नंबर का आपका पूर्णांक है, तो एक लड़का एक्स का पाया था 28% और 14 नंबर से फेल हो गया था, तो इसको 14 नंबर दे करके हमने पास करा दिया। एक लड़का पाया था 32%,
लेकिन ये पासिंग नंबर से 18 अधिक पार लिया था, इसलिए 18 घटा करके इसको भी पास करवा दिए। अब दोनों लोग क्या हो गए, बराबर, दोनों लोग पास हो गए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 32x में से 28x गया 4x/100, और इधर 18 के इधर जोड़ देंगे तो 32। ये देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन फिर सॉल्व हो गया, यानी कि 800 नंबर का ये जो है पूर्णांक था। पासिंग नंबर पूछेगा तो x का वैल्यू इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, दोनों ही क्या है, पासिंग नंबर है। तो इस तरह से प्रतिशत के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से किए जा सकते हैं। और आप कोई भी क्वेश्चन आप लगाइए, ये जो पिछले वीडियो के 7 पॉइंट आपको सिखाए गए उससे या तो हो जाएंगे, और नहीं तो आपको ये जो ट्रिक आज बताया गया इस पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर आपको अब और भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिए, और भी हम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बताने होंगे इसमें। और वीडियो को शेयर, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र इसे देख सके, पढ़ सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।